जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। मनोज जी ने अपने मतलब की पंक्ति पकड़ी, हमने अपने मतलब की पकड़ ली। चतुर्मास स्थापना हो रही थी, अच्छा हो रहा है। अब निष्ठापन हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ये सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसकी जिंदगी में ये सूत्र आत्मा की पर्याय बन जाए, उसे दुनिया की कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकते। वो कभी उसके ऊपर संकट नहीं आ सकते, उसके परिणामों को कोई विचलित नहीं कर सकता। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला विचलित हो सकता है, भगवान और गुरु की छाया के बाद भी, कृपा के बाद भी व्यक्ति विचलित हो सकता है, दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है। लेकिन यह सूत्र जो यदि किसी जीवन का मोटिवेशन के रूप में, बहुत बड़ी चीज है। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग से भी आगे है। जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, इससे बड़ा सगुन दुनिया में कोई नहीं होता। इससे बड़ा सगुन, बहुत सारे सगुनों की चर्चा की है। ये शुभ होता है, बड़ा कलश शुभ होता है, साधु मंगल है, अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, ये सब बहुत सारे सगुन, हजारों सगुन है। अलग अलग देश के सगुन हैं, देशी सगुन अलग होते हैं। यहाँ बिल्ली को अशुभ मानते हैं, जापान में बिल्ली को शुभ मानते हैं। तो ये सगुन होते हैं, लेकिन एक सर्वव्यापक सगुन, अकाट सगुन, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ये ऐसा सगुन है जो पराधीन नहीं, आत्मा में से निकलता है। और मैं बहुत बार पहले कह चुका हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा सगुन है हम स्वयं, और जिंदगी के सबसे बड़े अवसगुन है हम स्वयं। ये तो बाहर के निमित्त के, इनका इलाज है, इनका इलाज है। बिल्ली रास्ता काट गई, बोले दो मिनट रुक जाओ, उसको निकल जाने दो जिसने बिल्ली को काटते हुए देखा नहीं। बिल्ली रास्ता काट जाए ना, थोड़ा रुक जाओ। अब वो व्यक्ति निकल जाए जिसने बिल्ली को देखा नहीं है, लो साहब उसका काट हो गया। छींक आ जाए, बोले दो मिनट रुक जाओ। सबके लिए है, लेकिन ये जो मंगलाचरण होता है अपने, जो शगुन होता है, इसका कोई काट नहीं है और अब शगुन का कोई इलाज नहीं है। शगुन सबसे बड़ा है। मैं अब शगुन के संबंध में पहले ही बता चुका, कभी जब अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस होता है, ये कोई जिंदगी है क्या? महानुभाव, सबसे बड़ा अवशगुन है, मैं इस पर 3-4 दिन प्रवचन दे चुका हूँ, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई मकान है क्या? ये कोई परिवार है क्या? ये कोई व्यापार है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई कपड़े हैं क्या? ये कोई समाज है क्या? ये कोई देश है क्या? किसी भी चीज, ये कोई मंदिर है क्या? ये कोई भगवान है क्या? ये कोई गुरु है क्या? कहीं भी चीज में जो स्वयं से रिलेटेड है, उसको यदि तुमने कोस दिया, इस अवशगुन का कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं, तुम्हारा पतन निश्चित है। मैंने कहा ना, बिल्ली रास्ता काट जाए, सांप रास्ता काट जाए, तो चिंता मत करो, शगुन का काट है। लेकिन किसी भी कार्य में यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, इसका कोई काट नहीं है, वो तो तुम्हारा डाउनफॉल शुरू
तो शुरू हो गया। कब तक डाउन होता रहेगा, कब तक तुम्हारा पतन होता रहेगा, कब तक? जब तक तुम ये नहीं कहोगे ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं होना चाहिए। ये काट जितना हो गया बस भगवान, अब बहुत हो गया, इससे नीचे नहीं। मकान से झोपड़ी में आ गया, झोपड़ी में कम से कम हाईवे की पुड़िया के नीचे तो स्थान मिल गया, पर भगवान इससे कम नहीं। जिस दिन आप ये नहीं कहोगे, जब तक आप ये कहते रहोगे ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई है क्या, ये उलाहना कहलाता है, ये शिकायत कहलाती है, ये स्वयं की बद्दुआ कहलाती है स्वयं के लिए। और मैंने बताया था स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का नजर कभी अपनी जिंदगी में मत लगने देना। दूसरे की नजर तो उतार ही लेते हैं, उतर जाती है, दूसरे की बद्दुआ कट जाती है, लेकिन स्वयं की नजर का कोई उपाय नहीं। अपनी नजर, अपनी बद्दुआ स्वयं को कभी मत देना, भूल करके मत देना। किसी भी परिस्थिति में है अपने आप को कोसना नहीं, अपनी जिंदगी को कोसना नहीं, अपनों को कोसना नहीं, अपनों को हीन भावना से देखना नहीं। ये जो सूत्र है और जो आज मैं कह रहा हूं शगुन, तुम्हारे लिए कोई भी शगुन करना है कैसे भी परिस्थिति में हो, तो मैं एक सूत्र को आज मैं नवोकार मंत्र नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे मंगलाचरण की पंक्ति को मैं अपने मुख से मंत्र के रूप में दे रहा हूं। बस एक मन में धारणा बनाए रखना, जो हो रहा है अच्छा, तुम मर रहे हो, यदि उस समय तुम्हें ये निकल आया मैं मर रहा हूँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नियम से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी देवगति का रजिस्ट्रेशन हो गया, इतना कहते मैं मर रहा हूँ, मन में फील करना है अच्छा हो रहा है, बुरा कभी कुछ होते ही नहीं, नियम से देवगति में जाने वाले का ऐसा परिणाम आता है। वो कांटा लग गया चलते हुए, कोई ना कोई अच्छा ही हुआ है, बुरा होता ही नहीं। बादशाह की एक बार उंगली कट गई किसी कारण से, बीरबल को दिखाई, बीरबल ने कहता राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ। राजा कहता तू मेरा मंत्री होगा, सारी दुनिया तो मुझे सहानुभूति दे रही, राजा साहब उंगली कट गई बहुत अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ बुरा हुआ, सब कह रहे हो तू मेरा मंत्री होगा, मेरी उंगली कट गई तू कह रहा अच्छा हुआ, कल के दिन मेरी गर्दन कट जाएगी तू कहेगा अच्छा हुआ। इसका अर्थ है कि तू मेरा मंत्री नहीं मेरा दुश्मन है, मेरे दुख पर कह रहा है तू अच्छा हुआ, दो शब्द तेरे पास सहानुभूति के नहीं है। अरे ऊपर से कहते राजा साहब अरे राम राम बुरा हुआ। बीरबल ने कहा साहब जो अंदर की बात थी मैंने कह दी, मेरे अंदर ने आप दबाव में कहरवाओ तो कुछ भी कहरवा दो, मेरे तो बाहर से जो अंदर से जो निकला अच्छा हुआ। राजा ने कुछ नहीं तेरी अंदर और अंदर से निकला ये, हाँ साहब मेरे अंदर से यही भाव निकला, मेरे अंदर से निकला ये भाव कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो इसका अर्थ है तू अंदर से भी मेरा दुश्मन है, मेरे दुख को तू अच्छा मान रहा है, मंत्री पद से अलग करो। राजा को तो क्या दो मिनट लगना, बीरबल का पता नहीं कितने बार उनके मंत्री पद से हटाया गया और अंत में उन्हीं को 50 बार हटाया एक मिनट। ठीक साहब मंत्री साहब चले गए बीरबल। एक दिन राजा साहब जंगल में भटक गए, भटकते भटकते कोई नहीं था, भटक गए वहाँ आदिवासी भीड़ लोगों को बलि चढ़ाने की प्रथा थी,
तो वहाँ बलि चढ़ाने के लिए इससे अच्छा कौन था? राजा की शक्ति तो सेना होती है, स्वयं तो कुछ होता नहीं। उन्होंने पकड़ लिया, अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति मिला है, और बलि की वेदी पर ले गए और सब नहा धुला करके बलि के चढ़ाने की बात आई तो उनको जो बलि चलाने वाला भी कोई पंडित टाइप का होता है, वो जैसे आप नरियल चढ़ाते ना देखते हो हाँ ठीक है कि नहीं, तो बलि को चेक किया जाता है ठीक है कि नहीं, तो उसकी उंगली कर रही थी तो हटाओ उसको, हटाओ हटाओ हटाओ, ये तो खंडित है, देवी खंडित पुरुष की बलि स्वीकार नहीं करती, तो उंगली कटी इसकी, खंडित हटाओ जल्दी हटाओ, हटाए उसको यहां से दूर। उसको भगाया गया, भाग करके राजा साहब जैसे तैसे प्राण बचा के घर में आए, बोले बीरबल को बुलाओ, वो भविष्य वक्ता है, वही सच्चा मीत है। बोले राजा साहब क्या बात है? बोले तूने जो कहा था वो सही है, जो होता है, यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आज गर्दन कट गई होती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल को फिर मंत्री पद पर रख लिया गया। उंगली कटने पर वेदना अंदर से आवाज आना चाहिए, उंगली कट गई अच्छा हुआ, ये भी कुछ अच्छे के लिए हुआ है, ये भी कुछ अच्छे के लिए, ऐसी अनुभूति हो जाए उंगली कटी है और तुम्हारे अंदर से आवाज आना चाहिए, बाहर से नहीं, और अंदर से ऐसी। बहुत दुख हुआ है उंगली कट गई, कुछ अच्छे के लिए हुआ है। आप देखना जिंदगी में वो उंगली तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि तुम्हारी अंदर से आवाज निकली है, जो होता है अच्छे, किसी बहकावे में नहीं, कहने में नहीं, समझाने में, अंदर एकाएक परिणाम है। महानुभाव शगुन है, चोर चोरी कर गया, सब ले गया, और एकदम अंतर से आवाज निकला है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। क्यों? तुम्हें सब क्यों बोला? सब लुट गए? नहीं, कुछ अच्छा हुआ है। बोले अच्छा कैसे हुआ? बोले धन ही तो गया है, किसी को मार के नहीं गया, किसी के प्राण नहीं लिए, अच्छा हुआ प्राण तो नहीं लिए। कहीं ना कहीं से आप सोच रहे, इसको आप आदत में ले लें, बुरे दिनों में ले लें, बुरा हो रहा उस समय ले लें, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस व्यक्ति की जिंदगी में कोई अपशगुन नहीं, इस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता, जिसने ये तक कह दिया मैं मर रहा हूँ अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वह अच्छा हो, उसको कौन दुखी करेगा? जो मौत के समय कह रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। रामचंद्र जी वनवास के समय बस इसी सूत्र के बल पर जिए थे, ये सूत्र था उनके पास, एक मंत्र था, जो हुआ है अच्छा हुआ, वनवास हुआ है अच्छा हुआ है, बुरे के लिए नहीं हो सकता, अच्छा हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा होना है, कुछ ना कुछ। और जाकर के वनवास में जो उन्होंने तत्व दृष्टि मिली, जो उन्होंने साधु संगति मिली, उन्होंने कहा कि यदि वनवास में आए थे नहीं तो ये सब नहीं मिलता। सीता के अपहरण के बाद रामचंद्र जी रोए, लेकिन एक बार लक्ष्मण को संबोधन कर दे, कहते लक्ष्मण मुझे लग रहा है सीता का अपहरण भी अच्छे के लिए हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सीता का अपहरण भी अच्छे के लिए हुआ है। प्रकृति ने सीता जैसी व्यक्ति को चुना है कष्ट देने के लिए, प्रकृति ने राम जैसे को कष्ट देने के लिए चुना है, प्रकृति हर व्यक्ति का चयन नहीं करती है।
किसी पापी का चयन नहीं किया दुख देने के लिए, किसी पापी को निष्कासित नहीं किया गया, पापी को राजगद्दी नहीं छीनी गई। प्रकृति माँ है, उसने किसको चुना? संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा को, सबसे बड़े पवित्र आत्मा को, संसार के आदर्श को चुना, बोले इसको वनवास भेजो। पापी के वनवास भेजने से कोई लाभ नहीं है, पापी के वनवास भेजने से कोई लाभ नहीं, सब तरफ अहित ही अहित है, इसका भी अहित होगा और ये दूसरों का भी अहित करेगा। यही अहित कर देगा, कहो पिताजी का मर्डर कर दे, पापी को यदि पिताजी बनवास दे दें, जा तू देश से निकल जा, वो कहता मैं तुम्हारे प्राण ही निकाले देता हूँ, क्योंकि पापी है। पापी से अहित होगा, पिता की हत्या हो जाएगी, माँ की हत्या हो जाएगी और ये हत्यारा बन जाएगा। फिर कितना नहीं है, जो सबसे अच्छा आदमी है उसको चुनो। प्रकृति ने राम को चुना। अपहरण किसका कराया? रामचंद्र जी कहते इस प्रकृति ने, इस किस्मत ने पवित्र आत्मा को चुना। प्रकृति से कुछ अच्छा कराना है, कराया। यदि सीता का अपहरण नहीं होता तो पापी का संहार नहीं होता, यदि किसी पापन का अपहरण हो गया होता तो वो खुद पापन बन जाती, वो रावण की जिंदगी में ढल जाती। बोलो, किसी पापन का अपहरण होता तो रावण का पाप बढ़ता या घटता? यदि किसी गलत का अपहरण कर लेता तो पाप और बढ़ता, वो और पापी हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे धर्मात्मा को सुनो जो पापियों के बीच में भी अपनी पवित्रता को बना रखे। रावण का संहार हो गया, सारे जगत ने, सारा जगत कह रहा है, देवताओं ने कहा राम का वनवास हुआ, अच्छा हुआ। आज हम सारी दुनिया रामायण भरी पड़ी, देवता ब्रह्मा विष्णु कहते हैं अच्छा हुआ राम को वनवास हुआ, अच्छा हुआ विदेही का अपहरण हुआ, अच्छा हुआ लक्ष्मण को शक्ति लगी, सब अच्छा अच्छा हुआ, क्योंकि उसका फल सबको अच्छा मिला, पृथ्वी पापियों से रहित हो गई। ये सोच हमारे लिए लाना है। चतुर्मास के उपसंहार पर धनतेरस आज नहीं है, चतुर्मास के उपसंहार पर एक मतलब कहना चाहिए गिफ्ट ले लो। चलो अध्यक्ष भी आ गए, उन्होंने नहीं तो फिर बाद में गिफ्ट देना पड़ती, अभी एक साथ मार दें। बहुत बड़ी गिफ्ट महान हुआ अपनी जिंदगी का, बहुत बड़ी गिफ्ट। कभी भी किसी भी दुर्घटना आकस्मिक सम्यक दृष्टि को अभी समय सार में आया, सात भयों से मुक्त होता है। उसको भय लगते ही नहीं, उसको लगते ही नहीं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, उसके मन में भी भाव नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको ऐसा भाव नहीं आता कि मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, आता ही नहीं, भय नहीं लगता उसको। उसको ये नहीं लगता कि मुझे कोई लूट लेगा रास्ते में, मेरे पास धन है, उसको डर नहीं लगता। धन है, लुटेरा लूट सकता है कि नहीं, पर डर क्यों नहीं लग रहा है? डर क्यों नहीं लग रहा है? लूट तो सकता है, पैसा है, सामने वाले को मालूम चल गया इसकी अटैची में सोना है, लेकिन सम्यक दृष्टि डरता नहीं। वो कहता है किस कारण नहीं डरता? मैंने जो खोजा, वो कहता है लूटूंगा तो भी कुछ ना कुछ अच्छे ही के लिए लूटूंगा, कुछ अच्छे ही होगा, मान लो लुटना होगा तो कुछ अच्छे ही होगा, इसलिए लुट गया।
बिना अच्छे के लिए कभी कुछ हो ही नहीं सकता। दुश्मन आ जाए मारने के लिए, बोले देख तेरे लिए मारना, बोले कोई फर्क नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। अरे भाई मर रहा है क्या अच्छा होने वाला है? मर रहा है क्या अच्छा होने वाला? नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कही, नियम से मनुष्य देवगति मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है। किसी ने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, कोई मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, समय दृष्टि के तक कुछ अच्छा होने वाला है। अरे भाई सामने वाला तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है, समय दृष्टि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तभी इसने विश्वासघात किया है। विदेही राज्य को छोड़कर वनवास भेजा जाता है, तब गजब का सोच लक्ष्मण कृतांत वक्र ने जब कहा कि आपको धोखे से वनवास दिया गया है, सीता को कोई घबराहट नहीं हुई, उसके मन में एक सूत्र था, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। उसने एक को भी नहीं कोसा, रामचंद्र जी को भी नहीं कहा कि तुम मेरे पति होकर के मैंने तुम्हारा साथ दिया, 14 वर्ष साथ दिया, रावण जैसे महारथी को मैंने नहीं अपनाया, तुम मैंने परमेश्वर और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मेरे छुपाए बिना धोखे से, और किस अवस्था में, गर्भस्थ अवस्था में। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई नारी ऐसे पति को माफ कर पाएगी, जिसके लिए सीता ने क्या नहीं, सीता को वनवास नहीं था, राम के वनवास के साथ गई, सब दुख उठाए, सब कष्ट उठाए, और गर्भ में बालक हैं, रामचंद्र जी को मालूम है गर्भ, उस समय वो भी धोखे से सलाह परामर्श करके करें, अपनी बात बता दे कि देखो ये मजबूरी है, ये समस्या है, तुम्हें हमें वनवास भेजना पड़ेगा, चिंता मत करना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, कुछ नहीं कहा। हालांकि बताते हैं कि रामानंद सागर ने इसको बहुत सफाई का प्रयास किया है, रामचंद्र जी को न वनवास भेजा नहीं है, सीता स्वयं राजा की रक्षा करने के लिए वनवास गई है, ये इनकी कुशलता थी, इन्होंने ढाला। क्योंकि रामायण के नायक कौन है? रामचंद्र जी। नायक को नीचे नहीं गिराया जाता, नायक को, तो उन्होंने कुशलता से कहा, नहीं विदेही ने कहा कि तुम क्या एक स्त्री के कारण से अपने मर्यादा पुरुषोत्तमपन को नाश करते हो, मैं जाऊंगी। लेकिन सत्य यह नहीं है, सत्य यह है कि धोखे से एक शब्द भी उलाहने के रूप में नहीं, मुझे नहीं लगता संसार की कोई नारी ऐसे पति को माफ कर पाएगी, और मेरे से भी पूछो तो मैं भी कहूंगा ऐसा पति माफ करने लायक नहीं है। आपकी भी सहमति? जो गर्भवती अवस्था में धोखे से वनवास में छोड़ दे, मानव अधिकार का कोट लगा दो, हाँ, मात विदेही के कोर्ट ने एक उलाहना नहीं दिया, लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण को नहीं दिया, तुम मुझे मां के समान मानते हो, तुमने भी नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। क्या ताकत थी सीता के पास? जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, रामचंद्र जी ने जो किया है अच्छे के लिए किया, देवर ने जो किया है भेजा है अच्छे के लिए किया, मुझे ऐसी दशा में वनवास मिला है अच्छे के लिए मिला, कुछ अच्छा होने वाला है। बस इसी सूत्र के माध्यम से कोई उलाहना नहीं, कोई गिले शिकवा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत लक्ष्मण जाओ, चिंता मत करना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।
अग्नि परीक्षा में जब हुई तब सीता के पास उसने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ा कि अब अंत समय है तो मंत्र पढ़ के जाऊं। अंदर का शगुन क्या था? जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अग्नि में कूदना है अच्छा क्या, जल के मरना है अच्छा क्या? बोले ये भी अच्छे के लिए होगा। और इस सूत्र को लेकर के वो अपनी जिंदगी में हर संकट का सामना करती रही, हर कांटे फूल बनते रहे, हर अग्नि पानी बनती रही, जो हो रहा है अच्छे के लिए। धनतेरस का, वैसे आज धनतेरस है नहीं, धनतेरस वस्तुतः कल है, उदया तिथि मानी जाती है, सभी ब्राह्मण लोग भी मानते हैं। उदया तिथि, उदया तिथि यानी सूर्य उदय के समय जो तिथि पड़ती है वही तिथि सही तिथि कहलाती है। आज उदया तिथि नहीं, अभी तो 12 से साढ़े ग्यारह, 11:30 बजे के बाद तेरस लगेगी, तो उदया तिथि कहाँ रही? उदय तिथि का अर्थ है सूर्य उदय के समय जो तिथि पड़ती है। कल सुबह है, तेरस वस्तुतः मांगलिक और सगुन के रूप में आएगी क्योंकि वो उदया तिथि कहलाएगी। कल सुबह की तिथि, सूर्य निकलेगा उस समय 11:30 बजे तक लगभग तेरस रहेगी। इसलिए धन तेरस मनाने वाले जो रात में तेरस मनाते हैं वो भली बनाए, लेकिन आज की तेरस मांगलिक नहीं है, मांगलिक नहीं, 4 मिनट के लिए मात मांगलिक है, क्योंकि 12 बजे के बाद सूर्य ढलेगा और ये 4:44 या 4:46 तक के बाद आने वाली है। तो आज वैसे ही मांगलिक तिथि नहीं है। आज 12 सूर्य उदय के समय 12 बजे तक, 12:45 तक 12 से, इसलिए कल की तिथि शगुन रूप में है क्योंकि उदया तिथि मानी जाएगी। जब दो तिथि पड़ जाती है ना तो उदया तिथि को मूल मानते हैं, सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि है वो तिथि मान ली जाती है। तो कल प्रातः काल तेरस है और कल तेरस सुबह सारे जैनियों को तो अपनी तिथि का पर्पस होना चाहिए। सारे भारत के जैनियों को कल धन तेरस मनाना है। आज मैंने तुम भली धनतेरस के नाम से, आज सब लोग मुकुट लगा के खड़े थे, मैंने कि समझ लिया सभी मुकुट लगाए थे, तो मैंने समझ लिया आज सब लोग धनतेरस मान करके ले जा रहे होंगे। मैंने शांति धारा 12 की है, तेरस की ही नहीं। अब तुमने धनतेरस ही कर ली हो तो तुम जानो, मैंने तो 12 ही कराई क्योंकि 12 ही तिथि है। कल सुबह धनतेरस और वही तिथि पढ़ना है दिवाली के, उदया तिथि। सब अस्त तिथि को दिवाली मनाएंगे इस बार, अस्त तिथि यानी 12 बजे के बाद से अमावस्या लगेगी। अब शाम को बनाओ उदया तिथि तो है ही नहीं। उदया तिथि 13 के सुबह पड़ेगी, उदय के समय सूर्य उदय हो रहा होगा और उस समय हमारे उदया तिथि होगी। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपन को एक ऐसे शगुन मनाना है उदया तिथि में, धनतेरस के दिन बिफोर टाइम में। कल सुबह सबको एक ही कहना है, कल सुबह का मंत्र दे रहा हूं उठते ही, धनतेरस का, जिंदगी में एक अंदर से उठते ही मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। जाओ धनतेरस हो गई, धनतेरस हो गई, बस अब अच्छा ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आत्मा से निकला है, सगुण में निकलता है। उठते ही प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, प्रथम सोच शुद्ध सोच, प्रथम वाक शुद्ध वाक, कदम उठाते ही जो स्थिति बनती है वही सत्य होते है। प्रथम कदम निकालते ही आपके घर के बाहर कौन सा कदम पहले निकाला, कौन सा कदम पहले निकालूं? बिस्तर से उठते ही कौन सा कदम
जमीन पर रखूं, कौन सा जूता पहनते समय कौन से पैर में पहले जूता पहनूं, गाड़ी में बैठते समय पहला कदम कौन सा गाड़ी में रखूं, आपको खुद सोचना है। आपका खुद बताएगी किस्मत, आपकी खुद बताएगी भली कि जिस समय जिस नाक का स्वर चल रहा हो उसी तरफ का पहला कदम उठा के कार्य शुरू कर देना, सफलता ही सफलता। अपने स्वर होते ना, एड़ा पिंगला सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, बाई चंद्र नाड़ी दाई स्वर नाड़ी। अब जिसमें से नाक से स्वर निकल रहा, अपने दोनों स्वर बहुत कम चलते हैं, बहुतायत कभी एक कभी एक, तो जो स्वर चल रहा हो उस पैर को पहले आगे कदम बढ़ा के चलना, देखना आपके कार्य में सफलता निश्चित है। बहुत छोटा सा सगुन, दोनों चल रहे हो तो थोड़ा रुक जाना, कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। वो ध्यान के लिए, जाप के लिए, साधना के लिए, कभी देखना दोनों नथनों से स्वर चल रहा हो और उस दिन माला फेर के देखना, आपको ऐसे लगेगा कि फेरते ही रहूं माला। हम लोग ध्यान के लिए श्यामाय के लिए श्वसमना स्वर चलाते हैं, दोनों स्वरों से जब श्वास निकल रही हो उसको श्वसमना बोलते हैं। तो इस प्रकार का अपने लिए बस वो कदम आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार आपके अंदर की आवाज सुबह निकलते कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, जो आज मंत्र दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वह बस सगुर, कोई दुखी नहीं। अब इसके लिए ना कुछ भी करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं उसको। मैं अब उससे संकट की बात कह ही नहीं सकता, संकट मोचक की बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो संकट भी क्या कह रहा है, वो जो हुआ अच्छा, उंगली कटने पर क्या कह रहा है अच्छा, जेब कट गया बोले क्या हुआ अच्छा, दिवाली के दिन कट गया बोले और अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। देखो ये करके देखो, अभ्यास में लाओ, एक अंदर की आवाज में लाओ, हम सद्भाव में रहें या नहीं रहें लेकिन सद्भाव का आनंद आ जाएगा। भले हम अभाव में जिंदगी जी रहे हैं लेकिन हमारी कसाई नहीं भड़केगी, किसी ने गाली दे दी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छे ही होना होगा, अब अपन को गुस्सा आएगा ही नहीं। सामने गाली दिए जा रहा है और महाराज तुम हंस रहे हो, क्यों हंस रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर से क्या आवाज आ गई, जो गाली दे रहा है कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला। फूलों से कभी कभी कांटे अच्छे होते हैं, रकीबों से वो रकीब अच्छे, रफीबों से वो रकीब अच्छे, जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमद थाम लेते हैं। रफीबों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, रफीब यानी मित्र दोस्त, से वो दुश्मन अच्छा जो कम से कम जलकर सही नाम तो लेता है। गुलों से खार बेहतर हैं, गुल आने फूल, खार आने कांटे, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमन थाम लेते हैं, जो मुझे देखने के लिए सचेत करते हैं। फूल तो हमें सुलाते हैं, क्या देखना फूल बिछे हैं, और कांटे क्या कहते हैं देख के चलो कांटा है, तो उन्होंने तो हमें थाम लिया, जल्दी मत करो गड्ढा है आगे, गड्ढा है आगे। लेकिन कभी कभी अपन इसको नहीं मान पाते, कांटे में भी अपन को लगे कुछ ना कुछ अच्छा, कांटा लग गया और मुझे जल्दी ट्रेन से जाना था और कांटा कारण में नहीं चल पाया और ट्रेन चूक गई, आपको कैसा लगा, आप बहुत जल्दी में थे और रास्ते में कांच लग गया, कांटा लग गया, जाम लग गया, कुछ भी लग गया, आपको कैसा लगा? यदि आपको लगा
गाड़ी छूक गई सब, महाराज मन में आ गया, खैर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ है। आप देखना थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि ट्रेन का, क्रेन का, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लगी, क्योंकि आपको कांटा लगते ही आपकी गाड़ी चूक रही है, जाम रोक रहा है, और आपके मन में क्या भाव आ रहा है कि जो जाम हो रहा है ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, अब आपका अच्छा ही होगा। आप शाम तक पता करेंगे, ओह अच्छा रहा कि गाड़ी में नहीं गया, हमारा ये काम गड़बड़ हो जाता है। तो ये कुछ सूत्र ऐसे बनाए गए हैं जिन सूत्रों के लिए, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। ऐसे व्यक्ति को जो अपने इस कार्यक्रम के पहले जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, छह तरफ से संकट किए, संकट किसने तरफ से, चारों दिशाएं थी, एक नीचे से और एक, ये छह संकट अपनी जिंदगी में चल रहे थे, और मैं उस संकटों से बचने का उपाय बताने वाला था। मैंने कहा चलो अब दिवाली आ रही है, कम से कम उनको और कुछ दे पाए या नहीं दे पाए, कम से कम संकटों से बचने का उपाय दे दो, ये मैं सोच के आया था, सोच रहा था, क्योंकि आज स्टेज बदल गई ना, नाटक बदल गया, नाटक सब कुछ बदल गया, अब हमारा प्रोफेशन भी बदल जाएगा। अब तुम लाख उपाय करना, वो प्रोफेशन नहीं निकलवा सकते जो बच्चों के निमित्त से निकले हैं। मैं भी कहा हूं तो नहीं निकलेगा, कितने प्रयास करो वो प्रोफेशन निकल ही नहीं सकता जो 10 दिन समय सार की उन गहराइयों पर मैं पहुंचा जिन गहराइयों तक सोचना भी मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। उस गहराइयों के प्रवचन जो समय सार के ऊपर निकले, ये लाख चिंतन करो तो भी नहीं निकलते, लेकिन निकले, और गहराइयों में अपन गए जिन गहराइयों तक पहुंचना बहुत दुर्लभ था, क्योंकि वो पात्र ही ऐसे बैठे थे, तो वो तो अब सब कुछ बताते। मैंने सोचा कि चलो अब इनको अंत में संकट मोचन, संकटों, क्योंकि ये सब संकट से तो घिरे ही रहते हैं, कोई ना कोई संकट तो आता ही है, संकट से कैसे मुक्ति पाए, संकट को कैसे समझें कि हमारे ऊपर संकट है, ये सोच करके बैठा था। यहाँ तो मंगलाचरण आ गया, क्या तुम संकट से बचा रहे हो, क्या तुम संकट से बचाओगे जो हो रहा है, तो अच्छे माहौल ही बदल गया। मैंने प्रॉपी तुरंत बंद की, मैंने की खत्म, सब प्रॉपी खत्म, जिसकी जिंदगी में ये मंत्र आ गया काय का संकट जो हो रहा है अच्छे के लिए, काय का संकट, मर रहा हूं अच्छे के लिए, जी रहा हूं अच्छे के लिए, सब कुछ अच्छे के लिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए, अब माहौल ही बदल गया। मैंने कही जब मंगलाचरण इसका हो रहा है तो अब क्या फायदा है, जब फसल ही पक चुकी है तो बादलों से पानी बरसाने से क्या फायदा है, फसल पक चुकी है, एक शुभ संकेत मिल गया जिंदगी में, हैप्पी दिवाली, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जीवन, सब कुछ हैप्पी कर दो। हम स्वार्थी हैं, हम चांद नहीं, कांटा हैप्पी नहीं फूल हैप्पी है, कांटा हैप्पी नहीं फूल हैप्पी है, कांटे को भी हैप्पी कहो, यह है साधना। फूल को हैप्पी करने वाले कभी धोखा खाएंगे, कांटे को हैप्पी करने वाला कभी धोखा खा ही नहीं सकता। अपनों को हैप्पी कहने वाला व्यक्ति धोखा खा सकता है, दुश्मन को हैप्पी कहने वाला व्यक्ति धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि वो दुश्मन के तरीके से उसको देखेगा और वही अपनी जिंदगी में आएगा। तो हमें अपनी जिंदगी को ऐसी खुशहाल बनाओ, ऐसी खुशहाल बनाओ कि हमारी जिंदगी की खुशी ना छिन जाए। हमें जीना नहीं है, हमें खुशी से जीना है, हमें जीना नहीं है,
एक रात कम जिए तो है रथ क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। एक रात कम जिए तो क्या है, अपन उजेले में जिएंगे, अंधेरे में नहीं। पूरी जिंदगी रोते रोते निकालने की अपेक्षा एक दिन की खुशी की जिंदगी बहुत काफी है। पूरी जिंदगी रोते रोते निकालने की अपेक्षा बहुत लंबी जिंदगी मिले क्या फायदा, एक दिन मिला खुशी का मिला। पूरी जिंदगी अपन अंधेरे में निकाल दें बहुत बड़ी कोई बात नहीं, एक रात मिली लेकिन उजेले की मिली बहुत काफी है। बहुत सारे साथियों से क्या मतलब, एक साथी मिला एकाश चंद्रा तमोहंती, अनेक तारागणों की अपेक्षा एक चंद्रमा काफी है सारी सृष्टि के अंधकार को मिटाने के लिए, एक चीज काफी है। और वह चीज यदि अपनी जिंदगी में बस एक ही बना लें, रोने के लिए जिंदगी नहीं है, आज मुझे जिंदगी मिली है हंसने के लिए मिली है, और आज मैं शाम तक खुशी में रहूंगा, जिंदगी मिली है। हर सुबह उठकर के भाव करो जिंदगी मुझे जीना है, खुशी से जीऊंगा। अपनी जिंदगी पर गर्व हो जी, अपनी शाम पर हमें गर्व हो जी, हर शाम को घर लौटो तुम सगुन बन के लौटा करो। परिवार से कहना है जब व्यक्ति घर से बाहर जाए परिवार वालों को शगुन करना चाहिए, शगुन परिवार वालों को, जो शगुन कर सको करो, जाओ अच्छे के लिए जाओ सब अच्छा होगा, मन में भाव मत लाना कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, नहीं सब अच्छा होगा, खुशी खुशी घर से भेजो, चाहे भली मौत हो रही हो तो उसको अच्छे से भेजो, रो मत। हमारे समाधि पाठ में कहा है कि तुम लोग कितने दुश्मन हो, जिंदगी भर उसने तुम्हारे साथ दिया, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहा, और आज उसको जाना है, विदाई लेना है, इतनी लंबी यात्रा करना है, और तुम रोकर अपशगुन करते हो। जैसे मरने की बात सुनते ही मान लो कोई तो तुम लोग अपन लोग सब क्या करते हैं, रोने बैठ जाए। समाधि पाठ में कितनी बड़ी बात लिख रही, अरे एक सामान्य व्यक्ति जब एक गांव से दूसरे गांव जाता है तब भी घर वाले कहते रो मत अब शगुन मत करो, क्योंकि वो यात्रा पर ये कहते हैं कि नहीं, ये पूरे जीवन की यात्रा करने जा रहा है, ये दूसरे भाव में जा रहा है, तुम कैसे मीत हो इसका रो करके तुम अब शगुन कर रहे हो उसका, ये जा रहा है इतनी लंबी यात्रा है, कोसों दूर की यात्रा है, भवांतर की यात्रा है, तुम रो करके अपशगुन कर रहे हो, लगता है तुम इसके मीत नहीं हो, मीत नहीं हो। मरते समय कोई मरना हो उस समय बहुत, एक बालक ने और एक पति था, माँ एक स्त्री मरने लगी, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। मैंने कहा बस एक ही बात कहना, माँ को और पत्नी को खुशी खुशी विदा करो, जितनी खुशी के साथ कर सको। वो तुम्हारी वो बहुत रो रही है, मेरे मरने के बाद बेटा क्या होगा तेरा, पति को भी तुम्हारा, मेरा मरना तो निश्चित हो चुका है एक दो दिन की है, अब मेरा तो मरूंगा मैं। तो वो मैंने क्या उसको विकल्प क्या है, बोले उसको एक ही विकल्प है कि मेरे बेटे का क्या होगा, तेरी अभी शादी नहीं हुई है तू कैसे रहेगा, कैसा घर होगा, बिटिया अभी नहीं है, बस उसको एक ही विकल्प है, उसको मरने का दुख नहीं है, उसको मरने का दुख नहीं है, उसको दुख है जो हम लोग रह रहे हैं। मैंने कहा बस बेटा तुम उसको इतने खुश हो जाओ और जाकर माँ तुम्हारे बाद भी मैं बहुत खुश रहूँगा, तुम्हारे मरने का मुझे कोई गम नहीं है, आप मेरा ऐसा संबोधन दिया जैसे महाराज संबोधन कर रहे हो, आप मेरी चिंता मत करना, मैं आपको नियम दिलाता हूँ, आपको वायदा करता हूँ,
पति ने नियम ले लिया, मैं वायदा करता हूँ कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, कुछ नहीं, मैं संयम धारण करता हूँ, सब खुशी खुशी जाओ, तुमने मेरी जिंदगी साथ दी है, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुम मेरी माँ हो, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि तुम्हारी यात्रा में अपशगुन बनूं, मैं खुशी खुशी आपको विदा करता हूँ, आप शांति से जाइए, संबोधन करके जाइए, हमारी कोई चिंता नहीं करना, मैं अपने जीवन को, ओह बेटा बस मुझे एक ही बात आ रही थी कि मेरे मरने के बाद तू मेरे बिना कैसे रहेगा, कैसे जिएगा तू, मेरे बिना तो तू एक दिन नहीं रहता, आप सब, अब मुझे कोई गम नहीं है, मेरा परिवार मेरे बिना भी जिंदा रहेगा, ऐसी समाधि करके मरण हुआ शांति के साथ। ये ध्यान रखो आप लोग, कोई मर रहा है तो उसके निश्चित मरेगा, रो करके उसके सामने उसको मोह जगाते हो, राग जगाते हो, राग जगाने का प्रयास करते हो, नहीं उसको वीतरागी बनाओ, उसका मोह है तो अपनी तरफ से तोड़ाओ, नहीं आपको मेरा राग नहीं करना है, यदि तुम उसके हितैषी हो तो और स्वार्थी हो तो तुम तो उसका मिटाओगे, उसने तुम्हें बनाया है तुम उसका मिटाओ। समाधि मरण के समय एक ही बात कहा, कोई रोता हुआ चेहरा सामने नहीं होना चाहिए, कोई रागी चेहरा सामने नहीं होना चाहिए, कोई दुश्मनी चेहरा सामने नहीं होना चाहिए, ये तीन बातें कही, रोता हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए सामने, रागी चेहरा सामने नहीं होना चाहिए। परिवार की जब समाधि होती है किसी व्यक्ति की तो परिवार लोगों का राग तो होता है देखने का, तो उस समय कब दर्शन कराया, जिस समय वो छपक मरण करने वाला दीवार की तरफ सिर करके लेटा हो तब परिवार वालों से कहो पीठ का दर्शन कर लो, पीठ का दर्शन कर लो, कहीं तुम्हारा मुख का दर्शन किया और इस समय तुम्हारे प्रति देखकर उसको राग जाग गया, जाग सकता है तो उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, पीठ का दर्शन कराने को लिखा है राग से। दुश्मन को भी यदि आ जाए कोई बात नहीं मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्षमा नहीं वो इस स्थिति में नहीं है, आप पीठ का दर्शन करके पीठ से क्षमा मांग लीजिए, ये सगुन होते हैं। लेकिन तुम लोग तो रोने बैठ जाते हो, उसी के सामने और रोगे दिखाने के लिए। तो आप लोग जब घर से बाहर कोई निकले तो घर के माहौल को शगुन करना, कलह नहीं करना। अब शगुन में एक कलह आती है, घर से बाहर निकलते किसी ने राग द्वेष हो गया, कलह हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई, अब शगुन हो गया, सब खुश नजर आओ, लड़ना है उसके बाद नहीं लड़ना, निकल जाने के बाद, ये आप लोगों को। अब जो व्यक्ति घर गया है उसको आज के मंत्र की तैयारी बता रहा हूँ। हर पुरुष को एक नियम लेना है, हम घर जब लौटेंगे तो मुस्कुराते हुए लौटेंगे, पूरे घर का सगुन करेंगे। जब यात्रा से बाजार से बाहर से जब व्यक्ति आता है तुम्हारा, हर व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखता है, आप देखना गौर करना, माँ पत्नी बेटा परिवार, जब भी तुम कहीं से आओगे शाम को चेहरा देखता है कि आज इनका दिन कैसा निकला, चेहरा देखता है। और चेहरा यदि तुम प्रसन्न, शाम को कितने भी संकट तुम्हारी जिंदगी में आए घर लौटते समय मुस्कुराते हुए लौटना चाहिए, घर कहे कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, अच्छा ही हुआ, उस समय आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए आइए, क्योंकि हर व्यक्ति दिन भर से आपका इंतजार कर रहा है कोई खुशी की बात सुनने का। जब से तुम गए हो तब से वो क्या सोच रहा है, कोई अच्छा समाचार आएगा, अच्छा समाचार लाएगा, और लाए तो अच्छा लाओ, देखना फिर उस समय देखना, तुम घर में जाते ही शगुन बन के घर में प्रवेश करो, रोते हुए नहीं, गर्दन लटका के नहीं, शगुन बन के प्रवेश करो, मुस्कुराते हुए प्रवेश करो,
तुम्हारी दिन भर में जो अपशगुन हुआ है वो रात भर में सगुन में बदल जाएगा और सुबह तुम देखकर आश्चर्य करोगे ये परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि तुमने लौटते समय। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, हमारे अंदर है, और उनको हम अपने अंदर जो शक्तियां हैं उनको प्रकट करें और प्रकट करके फिर जागरूक रहे। महाराज जी आपने कह तो दिया लेकिन बहुत कठिन है, कठिन है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत सरल भी लग रहा है लेकिन बहुत कठिन लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। विपरीत परिस्थितियों में हम हंसते रहे, कोई मर रहा है हम हंसते रहे, जेब कट गया मैं हंसते रहूं, नहीं। यदि ऐसी साधना तुम्हारी यदि नहीं हुई हो तो अब आपको कुछ उपाय करना पड़ेंगे। यदि इतनी मुस्कुराहट, इतनी तपस्या, इतना सोच आपका नहीं बन पाया हो तो फिर आपको अब थोड़ी साधना करना पड़ेगी। लाना तो है तुम्हें, वहां खुशी पे तो लाना है। अब तुम कहते हो कि नहीं, संकटों में, विपरीत परिस्थितियों में कोई मेरे प्रति बुरा करे हो फिर भी मैं शांत भाव से बैठा रहूं, इतनी साधना हमारे में नहीं है महाराज, इतनी नहीं है मेरे में। हाँ, अनुकूलता रहे, अनुकूल व्यक्ति रहें, हमारे व्यक्ति रहें, हमारी खूब माने, हमारे अनुसार चलें, हमारा सब कुछ हो, तब तो महाराज हम खुश रहेंगे। व्यापार में गए तो बढ़िया माल मिले तो खुश लौटेंगे, हमारे सब मित्र लोग हमारी खूब प्रशंसा करें तो हम लौटेंगे, निंदा करने पे तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। मेरे ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम तो उंगली तोड़ेंगे। तो फिर तुम्हें एक साधना करना पड़ेगी। फिर अपन वही जो पुरुषों की श्रृंखला चल रही थी ना, वो ठीक चल रहा, हाँ वो ठीक है, ये तो कठिन है। जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, अब अपन कुछ ऐसा करें कि कहीं से जिंदगी में संकट आवे ही नहीं। अब दो सूत्रों पर विचार करें। एक साथ क्या तुम्हारी ये साधना है कि हर परिस्थिति को तुम सगुण मान सकते हो, हर परिस्थिति में तुम मुस्कुरा सकते हो। ये सोच पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का था तत्वार सूत्र में। उन्होंने कहा कि मुझे असाता से कैसे बचूं, मेरी जिंदगी में कभी असाता उदय में नहीं आए। उनका दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्यान्य सदवेद्य से, दुख में दुखी मत होना, इष्ट का वियोग हो जाए शोक मत मनाना, कोई तुम्हें दुखी कर धोखा दे दे दुख मत मनाना, शोक तापा कितना भी अनिष्ट आ जाए अंदर अंदर घबराना नहीं, क्रंदन रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, बचाओ 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 कहना नहीं, तो तुम्हें असाता वेदनी कर्म का बंध नहीं होगा।